हमारा प्यारा किचन। देखिए जी, आज हम बना रहे हैं साबूदाने के पकोड़े। तो ये देखिए, हमने रात को 1 कप हमने भिगोने के लिए रखे थे, तो ये अब तक के डबल हो चुके फूल के। ये देखिए, इस तरह से फूले हुए रहना चाहिए अच्छे से, तो पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे हमारे। तो यहाँ पे हम करते हैं, एक बॉल रखते हैं, इसमें हम ये साबूदानों को डालते हैं। साबूदानों को डाल चुके, ये देखिए हमारे पास छोटी साइज के 4 आलू हमने लेके इनको बॉईल करके इनके छिलके को उतार लिए। तो ये 4 आलू हम इसमें डाल के मैश करेंगे अच्छी तरह से। चलते जी, आलूओं को हमने इसमें डाल चुके हैं। तो ये देखिए, अभी हम कुछ मसाले इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे। तो ये नमक है, नमक अपने स्वाद के मुताबिक लिया करें। तो ये हमने नमक इसमें डाले हैं, और ये 1/2 टीस्पून जीरा है, जीरा डाला करिए, इससे अच्छा एक टेस्ट आएगा इसमें। और ये हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी 1/2 टीस्पून हमने लिए है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 हरी मिर्ची है, जो इसको हमने बारीक कट करे। ये थोड़ी से 1 टेबल स्पून के करीब हमने धनिया लिया हुआ है, और यहाँ पे 1 छोटी प्याज है, इसको भी हमने बारीक से काट लिए। तो ये भी इसमें डालते हैं। तो चलते हैं, ये सबको एक साथ मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए, हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके रखे हैं। तो ये अभी तैयार है पकाने के लिए। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई में तेल रखे हैं, तो तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमें गैस को थोड़ा सा धीमा करेंगे, और ये पकौड़ों को हम इसमें डालेंगे। तो आपको जितना बड़ा छोटा चाहिए वो हिसाब से आप बनाइए। ये बहुत अच्छे लगते हैं पकोड़े, आप बनाइए इसे, इसे अफ्तारी में रखिए, बहुत शौक से खाते हैं। चलते जी, पकोड़ों को हमने डाले हैं, और गैस का फ्लेम अभी हाई रखे हैं, तो इनको अच्छी तरह से यहाँ से पकाएंगे एक तरफ से। चलते जी, ये देखिए, ये पकोड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनकी साइड भी हम थोड़ी थोड़ी चेंज करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये देखिए कितने क्रिस्पी माशाल्लाह पकोड़े हमारे तैयार है साबूदाने के। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट सब करिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये देखिए कितने मज़ेदार टेस्टफुल पकौड़े हमारे तैयार है। तो यहाँ पर दोस्तों एक काम करना, जब से आप तेल ऑयल गर्म हो गया तो डालने के टाइम ज़रा सा गैस को धीमा करना, फिर डालने के साथ गैस को फुल फ्लेम पे इनको पकाना ज़रूरी है, नहीं तो ये साबूदाना और आलू एक दूसरे को चिपक जाते। तो चले इनको प्लेटिंग करके हम आपको दिखाते। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसकी प्लेटिंग भी करे हैं। दोस्तों, अब अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, आप ज़रूर घर में इसे ट्राई कीजिएगा, और आपकी क्या राय है तो हमें कॉमेंट में बताइएगा। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी से पकौड़े हमारे तैयार है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, आपका बहुत सा ख्याल रखेगा, हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।